फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भव्य हेल्थ केयर। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मच्छरों को भगाने के लिए कुछ घरेलू उपायों के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। मच्छरों के आतंक से तो हर कोई परेशान रहता है, ऐसे में कुछ लोग मच्छर मारने के लिए कॉयल, लिक्विड या स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता है। पर क्या आप जानते हैं कि इन केमिकल पदार्थों को यूज करने से मच्छरों का कुछ हो या ना हो पर हमारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। लाख कोशिश करने के बाद भी ये मच्छर घर में घुसकर मलेरिया, डेंगू और येलो फीवर जैसी बीमारियों को फैलाने से बाज नहीं आते हैं। इन केमिकल युक्त स्प्रे और कॉयल आदि जैसी चीजों से निकलने वाला धुआं हानिकारक होता है। इन सब से बचने के लिए आप कुछ घरेलू उपायों को अपनाकर इन मच्छरों से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तुलसी की। तुलसी में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। तुलसी के पौधे को घर में लगाने से मच्छर दूर भागते हैं। आप इसके रस को शरीर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे मच्छरों से निजात मिल सकती है। कमरे में जलाएं कपूर। कपूर को वैसे तो पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये मच्छरों के काटने से भी बचा सकता है। अगर आपके घर में भी शाम होते ही मच्छर आतंक मचाने लगते हैं तो इसके लिए आप कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने कमरे में कपूर जलाकर रख दीजिए, साथ ही कमरे की खिड़की और दरवाजे भी बंद कर दें। कुछ देर बाद दरवाजे खोल दें, इससे मच्छर भाग जाएंगे। लेवेंडर का फूल। लेवेंडर का फूल खुशबूदार तो होता ही है, इसके अलावा यह मच्छरों को भगाने में भी कारगर है। इसकी खुशबू से मच्छर भागते हैं। आप इसके तेल को कमरे में स्प्रे कर सकते हैं। गेंदे का फूल। गेंदे का फूल न सिर्फ आपके घर के बालकनी को खूबसूरत बनाने का काम करता है, बल्कि इसकी खुशबू मच्छरों और उड़ने वाले कीड़ों को भी आपसे दूर रखती है। बियर रखेगी मच्छरों से दूर। मच्छरों पर नियंत्रण पाने के लिए आप बियर या शराब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मच्छर बियर और शराब की गंध को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और वे घर से भाग जाते हैं। आप बियर को स्प्रे बोतल में भरकर स्प्रे कर सकते हैं। लहसुन और पुदीना। मच्छरों को भगाने में लहसुन भी बेहद अच्छा विकल्प है। इसके रस को शरीर पर लगाएं, इसकी गंध से मच्छर दूर भागते हैं। इसके अलावा आप पुदीने के रस का भी प्रयोग कर सकते हैं, इससे मच्छर दूर भागते हैं। नीम, पिपरमेंट, लौंग और नारियल का तेल। नारियल का तेल अमूमन सभी घरों में उपलब्ध रहता है। अगर आप भी मच्छरों से परेशान हैं, तो सबसे पहले आपको पिपरमेंट का तेल, नीलगिरी का तेल, लौंग का तेल, नारियल का तेल और नीम के तेल को किसी बर्तन में डालकर बराबर मात्रा में मिलाना है। इसके बाद एक बोतल में तेल के इस मिश्रण को सुरक्षित कर लें। रात में सोते समय अपनी स्किन पर इस मिश्रण को लगा लें। ऐसा करने से आपको मच्छर सोते समय परेशान नहीं करेंगे। रोजमेरी का पौधा। रोजमेरी, जिसे गुल मेहंदी के नाम से भी जाना जाता है, इस पौधे में से खास तरह की लकड़ी जैसी गंध आती है जो मच्छरों के साथ ही मक्खी और कई अन्य कीड़ों को भी दूर रखने में मदद करती है। डेकोरेशन के लिहाज से भी रोजमेरी के पौधे को बेहतरीन माना जाता है। कैटनिप का पौधा। कैटनिप का पौधा, जिसे कई जगहों पर कैटमिंट के नाम से भी जाना जाता है, पुदीने की फैमिली का ही एक पौधा है जो बड़ी आसानी से कहीं भी उग जाता है। लहसुन का पौधा। कहा जाता है कि लहसुन खाने से खून में एक अलग तरह की महक आने लगती है, जिससे मच्छर बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।